हम कृपा का एक साधन भेंट कर रहे हैं। एक चीज ये है कि इसमें एक अनोखा स्पंदन है, दूसरी चीज कि इसे यहां प्राण प्रतिष्ठित भी किया जाएगा, तो यह आपके जीवन में एक शक्तिशाली साधन होगा आदि योगी की कृपा पाने के लिए, ताकि आप शिव के आंसुओं में, परमानंद के आंसुओं में भीग सकें। नमस्कारम सद्गुरु, ये सवाल दिल्ली से धनंजय का है। मैं पिछले 3 वर्षों से आश्रम में महाशिवरात्रि उत्सव में हिस्सा ले रहा हूँ, लेकिन इस साल महामारी के कारण मैं नहीं आ पाऊंगा। क्या आप कृपया मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं कि मैं 2021 में बिना उनकी मौजूदगी में रहे आदि योगी की कृपा कैसे प्राप्त कर सकता हूँ? क्या ऐसा कोई उपकरण यह साधना है जिसका मैं उपयोग कर सकता हूं? भौतिक उपस्थिति का अपना अपना ही महत्व है, लेकिन अगर आप कृपा प्राप्त करने में इच्छुक हैं, आप जहां कहीं भी हैं यह संभव है, तो इस बार बड़े पैमाने पर महाशिवरात्रि बड़े पैमाने पर ऑनलाइन होगी। इसका मतलब है कि आपको यात्रा करने की परेशानी नहीं उठानी पड़ेगी। हम अलग अलग तरीकों से आपके पास आएंगे और कृपया आप उपलब्ध रहें। हम यू नो लाइक गिविंग आउट अ सर्टेन इंस्ट्रूमेंट ऑफ ग्रेस, दिस इज अ सर्टेन कॉन्सेक्रेटेड रुद्राक्ष बीड। हम कृपा का एक साधन भेंट कर रहे हैं, ये एक तरह का प्राण प्रतिष्ठित रुद्राक्ष है। कहानियां बताती हैं कि रुद्राक्ष वास्तव में शिव के आंसू हैं। तो शिव बहुत लंबे समय तक एक ध्यान की अवस्था में बैठे थे। सभी को लगा कि वो मर चुके हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से स्थिर थे। ऐसा लग रहा था कि सांस नहीं चल रही है, कुछ भी नहीं चल रहा, पर रुक रुक कर परमानंद के आंसू उनकी आंखों से टपक रहे थे। वही जीवन का एकलौता संकेत था जो उन्होंने दिखाया कि उनके भीतर परमानंद की ऐसी स्थिति थी जिसे वो रोक नहीं पा रहे थे, जिसने उन्हें बिल्कुल स्थिर कर दिया था। साथ ही कभी कभी परमानंद के आंसू टपक रहे थे। ये आंसू की बूंदें ग्रह पर या जमीन पर या धरती पर गिरी और रुद्राक्ष बन गईं। रुद्र के अक्ष का मतलब यही है, ये शिव के आंसू हैं। इसके कई पहलू हैं। एक चीज ये है कि इसमें एक अनोखा स्पंदन है, दूसरी चीज ये है कि इसे यहां प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा, तो ये कृपा का एक साधन बन जाएगा। लेकिन ये एक तरह का प्रतीक भी है। रुद्राक्ष पहनने का कारण ये है कि तपस्वी हमेशा रुद्राक्ष इसलिए पहनते थे क्योंकि धरती के सभी प्राणी में से वायरस से लेकर बैक्टीरिया तक सभी जीवाणु, कीड़े, पौधे, पेड़, पक्षी, जानवर, कोई भी सचेतन रूप से ये तय नहीं करते कि प्रजनन करना है या नहीं, ये बस हो जाता है। अगर कोई बीज गिरता है तो एक और पौधा उग जाता है, वो एक दूसरा पेड़ बन जाता है। तो कोई भी प्राणी ये तय नहीं कर पाता कि प्रजनन करना है या नहीं। इकलौता जीव जिसमें यह शक्ति है कि सचेतन रूप से बीज को रोक कर रखें और प्रजनन ना करें, वो मनुष्य है। मैं कह रहा हूं कि यह संभव है। सभी मनुष्य ऐसा करने में सक्षम हैं या नहीं, ये अलग बात है, क्योंकि विकास की प्रक्रिया एक धीमी प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि यह बस एक दिन में हो जाता है, कुछ लोगों में यह अभी भी हो रहा है। तो रुद्राक्ष का मन का इसी बात का प्रतीक है। कई तरीकों से शिव या आदि योगी इस बात को दर्शाते हैं, क्योंकि ये एक सचेतन चुनाव का प्रतीक है कि आप तय करते हैं जीवन की बुनियादी प्रक्रियाएं, खाना, बच्चे पैदा करना, नींद, ये सभी चीजें आप तय करते हैं। क्योंकि एक बार जब आप इन चीजों को अपने हाथों में ले लेते हैं तो आप जीवन में पूरी तरह आजाद हो जाते हैं। खाना, पीना, मलत्याग, प्रजनन और नींद,
अगर ये पांच चीजें आपके हाथ में आ जाती हैं सचेतन रूप से, तो काम हो गया, जीवन आप पूरी तरह से आजाद हैं। तो रुद्राक्ष मन का उस आयाम को दर्शाता है कि आपने एक जागरूक इंसान बनना चुना है। इसके स्वास्थ्य और अन्य लाभ हैं वो अलग बात है, लेकिन एक सरल सी बात जो आप खुद को और हर किसी को बता रहे हैं कि जब मैं रुद्राक्ष पहनता हूं तो मैं एक सचेतन प्राणी हूं। मैंने तय किया है कि जो धरती पर मौजूद हर दूसरे प्राणी के लिए एक मजबूरन गतिविधि है, मेरे लिए ये एक सचेतन प्रक्रिया है। तो एक रुद्राक्ष मन का, जिसे एक तरीके से प्राण प्रतिष्ठित किया जाएगा और जिसे कुछ समय के लिए आदि योगी पहनेंगे, शायद हम कुछ लाख रुद्राक्ष मुफ्त में भेंट करेंगे। इसमें हमारा काफी खर्च होने वाला है, खास करके साल 2020 अभी अभी गुजरा है, फाउंडेशन की आमदनी नहीं हुई है, पर हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, या हम इसे अपनी मर्जी से दान करें की तरह रखेंगे। अगर लोग चाहें तो वो दान कर सकते हैं, वरना वो इसे ऐसे ही ले सकते हैं, क्योंकि हम आध्यात्मिक पहलुओं को पैसे से नहीं जोड़ना चाहते। पैसा दूसरे कामों के लिए है, इमारतों के निर्माण के लिए, आपको रोशनी उपलब्ध कराने के लिए, ध्वनि उपलब्ध कराने के लिए, आपको ये सब उपलब्ध कराने के लिए पैसा जरूरी है। आध्यात्मिक प्रक्रिया वो मुझे भी कुछ नहीं दे रहे हैं, क्या आप ये जानते हैं? कोई बात नहीं, क्योंकि मैंने अपने जीवन में कोई फायदा नहीं लेने का फैसला किया है। मेरा तो टैंगो चलता है, लेन देन नहीं। मेरा आदि योगी और आपके दोनों के साथ एक डांस चलता है, तो कोई लेन देन नहीं, ठीक है? आध्यात्मिक चीजों के लिए कोई लेन देन नहीं है। तो इस रुद्राक्ष के साथ कुछ दूसरी चीजें भी आएंगी और इन लाखों रुद्राक्षों को कुरियर किया जाएगा, तो उसमें कुछ पैसा लगेगा। तो जब आप रुद्राक्ष के लिए रजिस्टर करते हैं तो आप जितना चाहें उतना दान कर सकते हैं, ठीक है? आप अपने लिए दान कर सकते हैं, या अगर आप चाहें तो और 100 लोग ये रुद्राक्ष प्राप्त करें तो आप उनके लिए भी दान कर सकते हैं, तो ये आपके लिए उपलब्ध होगा। कृपया इस रुद्राक्ष का लाभ उठाएं, यह आपके जीवन में एक शक्तिशाली साधन होगा ताकि आप आदि योगी की कृपा पा सकें। So this is an opportunity, this Mahashivratri, for you to soak in the tears of Shiva, tears of ecstasy, not of misery. तो इस महाशिवरात्रि ये आपके लिए एक अवसर है शिव के आंसुओं में, परमानंद के आंसुओं में भीगने का, न कि दुख के। मुझे लगता है कि आपको इसकी जरूरत है कि आज के बाद से अगर आपके जीवन में आंसू आता है तो वो प्यार या खुशी या आनंद या परमानंद के आंसू होने चाहिए। क्रोध के आंसू, निराशा के आंसू, डर के आंसू, दुख के आंसू, आपको उन पर रोक लगा देनी चाहिए। हेलो, दुख के आंसू नहीं, निराशा के आंसू नहीं, क्रोध के आंसू नहीं, न ही दूसरी अप्रिय चीजों के आंसू, सिर्फ आनंद, प्रेम और परमानंद के आंसू।